अब मैंने ये इंफ्रारेड कैमरा चालू कर दिया गाइस। वो कोई खड़ी है। ओ माय गॉड, तो गाइस आज फिर से हम उसी लोकेशन पे आ चुके हैं जिसकी आप सब ने बहुत ज्यादा डिमांड करी कमेंट के अंदर। कमेंट करने वालों ने पूरा कमेंट से एकदम भर दिया कि भाई जिस जगह पर आप गए हो हॉन्टेड सीसा मऊ का नाला, उस जगह पर ना आप एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा फिट कर दो। जितनी बार हम जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड होता ही है, तो जब सीसीटीवी कैमरा अगर हम लगा देंगे वहां पे तो वो चीज देखो कि वहां पर रिकॉर्ड होती है क्या। तो आपकी डिमांड पे हम एक कैमरा लेके आए हैं जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, जो कलरफुल में भी रिकॉर्ड कर लेता है, जो ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेता है, और बहुत कम लाइट के अंदर भी वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप सब ने ये डिमांड करी थी कि उस जगह जब भी क्लियर अब हो पाएगा अब जब आप उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा फिट कर दोगे। तो मैंने सोचा कि यार चलो क्यों ना सीसीटीवी कैमरा भी फिट करके आप लोगों के कहने पर देख लिया। तो आज हम फाइनली सीसीटीवी कैमरा भी लेके आ गए और सीसीटीवी कैमरा को फिट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो चीज़ है वो क्या पानी के अंदर जंप करती है, या फिर पानी के अंदर से बाहर आती है, या फिर वहाँ पर डायरेक्टली आती है, या फिर वो सामने कैमरे के ही गायब हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हॉन्टेड कैटेगरी में बहुत सारे लोगों ने ऐसा ट्राई किया है, तो मैंने भी सोचा कि एक बार क्यों ना ट्राई किया जाए सीसीटीवी कैमरे को फिट करके कि किसी लोकेशन पे अगर सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं हॉन्टेड जगह पर तो क्या होगा। चलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया और आज फिर से वापस आ गया। अब इस कैमरे को लगाने के बाद ना मैं बहुत जल्दी पूरी टीम के साथ भी आने वाला हूँ इस जगह पर, और हर चारों तरफ से इस पुल को घेर के हर तरफ कैमरे ऑन करवा के इस चीज़ को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो फाइनली चलते हैं इस जगह को सीसीटीवी कैमरा से कैप्चर करने के लिए। चलते सीधा सीसीटीवी कैमरा लेके उस जगह तक। पहले तो सामने की तरफ ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा जहां पर ये जो जगह है सबसे ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती है। थोड़ी लाइट मैं तेज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आए। ये देखो एक पंछी उड़ के भागा है बहुत तेज। अब जो चीज है ना, जो भी चीज यहां पर रिकॉर्ड होती है वो या तो उस जगह पर नजर आती मेरे ठीक उंगली के उस सामने पर, उस तहखाने जैसा जो बना हुआ है उस जगह पर, या फिर वो चीज इस जगह नजर आती जो मेरी उंगली आपको दिख रही है, ये जो आपको नजर आ रही इस जगह पर खड़ी हुई मिलती है। तो फाइनली एक बार मैं सीसीटीवी कैमरा फिट करता हूं इस जगह पर, है ना, इस जगह पर मैं यहां पर कैमरा इस जगह पर रखने वाला हूं और सामने पहले इस चीज को रिकॉर्ड करूंगा कि आप वो चीज यहां पर रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो यहीं पर रखते हैं कैमरा। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार यहां पर विजिट कर लेते हैं, विजिट करके देख लेते हैं कि वो चीज क्या रिकॉर्ड हो रही है यहां पर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इस जगह पर ऐसी चीज है, तो चलते हैं देखते हैं भाई।
ये क्या आवाज है? कोई आवाज आई है इसके अंदर से। तो अभी हमें सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। कैमरा किधर है? इधर है या इधर है नहीं पता आपको। आपको मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कैमरा कहाँ पे लगा है आई थिंक मुझे नहीं पता। अब मैंने ये इंफ्रारेड कैमरा चालू कर दिया गाइस। अब यहाँ से मैं ये कैमरा लगाने के बाद हटने वाला हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि इस जगह पर कुछ जो कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ रिकॉर्ड होती है क्या। तो ये चीज़ आज देखने वाली चीज़ है। हो सकता है कि मैं कटिंग लगाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो मैं वो पार्ट कट कर दूंगा जहाँ से वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है। उतना ही पार्ट चलेगा जितना पार्ट से वो रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। वो देखने की बात है कि वो रिकॉर्ड होगी भी कि नहीं आज के दिन में। तो ये कोशिश करेंगे। बाकी मैं यहाँ से अब हट रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं काफ़ी देर से नहीं था। अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पर कैमरा लगा के रखा था। अब वो एडिटिंग के टाइम देखने वाली बात है कि वो चीज़ कोई भी चीज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल मैं मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब इस पुल की तरफ मैं एंगल को रखता हूँ देखता हूँ इस तरफ कुछ रिकॉर्ड होता है क्या। तो कैमरे का एंगल मैं चेंज करता हूँ पहले। तो अभी मैंने जिस जगह पर वो मेन पॉइंट पे वो खड़ी होती है इस बार मैंने कैमरा इस तरफ का एंगल करके लगाया है। उस जगह पर कुछ रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल इस जगह क्या रिकॉर्ड होगा वो देखते हैं। तो हम यहाँ से अब कुछ देर के लिए हट रहे हैं देखते हैं क्या रिकॉर्ड होता है। पहले रुक जाओ थोड़ी देर चल रहे थे ना।
गाइस अभी मैंने देखा, बहुत दूर था मैं उस जगह पर, तो कुछ तो एहसास हो गई ना, हम थोड़ी दूर पे थे तो इस जगह पर मैंने देखा कि कोई चीज चमक जैसी एक नजर आ रही थी, अजीब सी रिफ्लेक्शन जैसी। अब मुझे नहीं पता वो चीज क्या थी, हो सकता है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हो और मैं एडिटिंग के टाइम में ये चेक करूंगा कि ये क्या चीज थी यार। वाकई में मैं उस जगह पर सीरियसली मैं डर गया जब इस तरफ कुछ मुझे चमकती हुई चीज नजर आई, पता नहीं क्या चीज थी। अब तो मैं एडिटिंग के टाइम पे जब चेक करूंगा तभी समझ में आएगा कि क्या चीज थी एक्चुअल में। मुझे नहीं पता कि इसमें रिकॉर्ड भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये चीज देखने वाली बात है कि सच में क्या यहाँ पर कोई गोस्ट है। आज ये सीसीटीवी कैमरा क्लियर कर पाएगा इस चीज को। अब मैं यहाँ से पीछे की तरफ भी एक बार लगा के देख लेता हूँ, अगर कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो पीछे की तरफ से भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि हो सकता है कि वहां पर कोई चीज रिकॉर्ड हो। तो एक बार देखते हैं चल के पीछे भी, यही सीसीटीवी कैमरा पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। अब पहले मैं यही इंफ्रारेड कैमरा लेकर इस तरफ चलता हूँ और देखता हूँ कि इस तरफ भी कुछ नजर आता है। पहले तो मैं इंफ्रारेड कैमरे से आपको दिखा देता हूँ इसका व्यू, ये कितना खतरनाक दिखता है कि नहीं गाइस, बहुत खतरनाक। और मैं ये जो इंफ्रारेड कैमरा लगाऊंगा ये ऊंचाई पर जाके लगाऊंगा मैं इस जगह पर, ताकि एक्चुअल में मालूम पड़े कि कुछ है क्या। ऐसा लगा कोई पीछे चल रहा है। अब मैं ये इंफ्रारेड कैमरा इस तरफ लगाता हूँ, पहले और जगह देखता हूँ मैं और कहाँ पे जगह है। इस तरफ लगाऊं किस तरफ लगाऊं समझ में नहीं आ रहा। एक बार नीचे की तरफ से पोजीशन लेता हूं मैं, नीचे की तरफ से देखता हूं, ये जगह परफेक्ट रहेगी इंफ्रारेड लगाने के लिए। पूरे पिलर्स दिखें क्या कि कहीं पर भी नजर आए कोई चीज तो रिकॉर्ड हो जाए। पहले तो गाइस आप तो गाइस पहले चीज तो मैं आप सबको बता दूं कि मैंने ये कैमरा सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से हट जाऊंगा। अब यहाँ पे हटने के बाद अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो था वो शायद वो चीज़ यहाँ से चली गई या फिर कुछ और। तो अब मैं यहाँ से ये इंफ्रारेड कैमरा लगा के हट रहा हूँ। फिलहाल देखते हैं कि इस जगह पर क्या कुछ रिकॉर्ड होता है, और मैं दूर से भी इस जगह पर खड़े होकर देखता रहूँगा ताकि मालूम तो चले एटलीस्ट कि हाँ जो कैमरा लगा रहा हूँ मैं वो कितना सक्सेस हो रहा है हमारा। तो फिलहाल मैं पीछे की तरफ यहाँ से छुप जाता हूँ कहीं पर इस इंफ्रारेड कैमरा लगा के। तो चलते हैं।
ओ भाई साहब, वो कोई है खड़ी है। ओ माय गॉड, मैं जस्ट पीछे था उस जगह पर, अब वो चीज देखो, वो है सामने, वो चीज सामने से अचानक से इस तरफ आ गई गाइस, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा हुआ मैं यहाँ से निकल गया, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। पहले मैं इस कैमरे को बंद करके नॉर्मल कैमरा ऑन करता हूँ पहले। तो गाइस यार, अभी अभी बस मैं जस्ट उस जगह से वापस आया, और आज भी मैं इस जगह पर अकेले ही आया था, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस जगह पर हम अगर आएंगे तो कितना ख़तरनाक हो सकता है, और भी लोगों को लेके आएंगे कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो उस जगह पर अचानक से एक चीज़ आई, और वो जैसा लगा कि कैमरे पे अटैक करने वाली है, तो उसी जगह से मैं वहाँ से हटा और कैमरे को उठाया और मैं भाग निकला, क्योंकि वहाँ से मैं हटता नहीं तो मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड कैमरे के बाद सामने की कुछ भी लाइट नज़र नहीं आती है, सामने कुछ नहीं नज़र आता, क्योंकि इंफ्रारेड नाइट में भी शूट कर लेता है, कितना भी अंधेरा हो तो वो चीज़ों को शूट कर लेता है, आप सबको पता होगा। तो मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ फटाफट इस जगह पर, अब आखिरी बार और फाइनल मैं आऊँगा जब आप सब लोग मुझे कमेंट करोगे, और इंस्टाग्राम यहाँ पर अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आके जो भी कुछ सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो के बारे में दे सकते हो, तो इंस्टाग्राम इस जगह पर है, फॉलो ज़रूर कर लेना। बस मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा सच में डर गए हैं यार इस जगह पर। तो अब मैं गाड़ी अपनी उठाता हूँ और निकलता हूँ इस जगह से। फिलहाल मैं वहाँ से कैसे कैसे भाग के आया मैं ही जानता हूँ, तो ये सब रिस्क आपके लिए लेता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी आप सबको मिलती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, पहले फिलहाल यहाँ से मैं निकलता हूँ, काफ़ी डर गया यार।